हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीनूज होम फूड। आज हम बनाएंगे सबका फेवरेट पिज्ज़ा। तो ये पिज़्ज़ा हम बनाने वाले हैं तवे पे, बिना ईस्ट और बिना ओवन के। तो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही आसानी से ये पिज़्ज़ा घर पर बनकर तैयार हो जाता है। साथ में मैं आपके साथ शेयर करूंगी किस तरह से पिज़्ज़ा की सॉस बनाई जाती है। तो ये फुल वीडियो है पिज़्ज़ा बेस, पिज़्ज़ा की टॉपिंग और साथ में पिज़्ज़ा सॉस। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, बनाते हैं तवा पिज़्ज़ा। तवा पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम पिज़्ज़ा का बेस तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर आधा कप दही लिया है। दही थोड़ा सा थिक था तो थोड़ा सा पानी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया है 1/4 कप तेल। तो मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। 1 चम्मच डाला है चीनी, 1 चम्मच डालेंगे नमक और 1 चम्मच डालेंगे बेकिंग पाउडर। साथ में आधा चम्मच डाल देंगे बेकिंग सोडा। और बस सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो कम से कम 1 मिनट के लिए हम इसे मिक्स करेंगे। 1 मिनट मिक्स कर लेने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 2 कप मैदा। और अब हमने इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करना है, लेकिन पानी डालने से पहले हम इसे पहले ऐसे ही मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ तक अभी मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया है, क्योंकि मैंने हल्का सा पानी दही के साथ ही डाल दिया था, तो इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि इसका मुझे एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। तो इस तरह से हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पिज्जा बेस के लिए डो तैयार हो गया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, ताकि इसके ऊपर पपड़ी ना बने। और बस अब इसके ऊपर हम ढक्कन लगाकर इसे कम से कम 2 घंटे के लिए रेस्ट पे रखेंगे। आप चाहे तो इसे धूप में भी रख सकते हैं, क्योंकि आजकल विंटर्स है, तो विंटर में थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसको बनने के लिए। तो जब तक हमारा आटा रेस्ट पे है, तब तक हम कुछ और प्रेपरेशन कर लेते हैं। अब हम बनाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। तो पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 6 टमाटर लिए हैं अच्छे से धोकर, और इनके ऊपर मैंने क्रॉस में कट लगा दिए हैं। और उबलते हुए पानी में हम इन्हें डालेंगे और 3 मिनट के लिए इन्हें बॉईल करेंगे। 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं टमाटर के छिलके निकलने लगे हैं। बस इसी स्टेज पे गैस को बंद करके हम फटाफट से इसको ठंडे पानी से धोकर इनके छिलके रिमूव कर लेंगे। चलिए अब इन्हें डालेंगे मिक्सी के जार में, और इन्हें हमने कोर्सली पीसना है। इसका एक बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, हल्के हल्के से टमाटर के टुकड़े इसमें दिखने चाहिए। ये देखिए इस तरह से, तो ये थोड़े थोड़े से टमाटर के टुकड़े इसमें दिख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह का पेस्ट हमें बनाना है। और अब एक पैन में डालेंगे सरसों का तेल। तो 2 चम्मच मैंने इसमें सरसों के तेल के डाले हैं। जैसे ही तेल गर्म होगा उसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ लहसुन। थोड़ी देर पकाएंगे इसे, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को भी थोड़ी देर पकाएंगे, तो हल्का सा ब्राउन कलर आने तक हम इन दोनों चीज़ों को पकाएंगे। साथ में मैं यहाँ पर हरी मिर्च भी डाल रही हूँ बारीक कटी हुई। तो ये लाइट हल्के ब्राउन कलर के हो गए हैं, और अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। मिलाएंगे इसे अच्छे से, और अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ पाउडर मसाले। तो 1/2 चम्मच मैंने डाल दिया है देगी मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, नमक डालेंगे स्वादानुसार। साथ में हम डालेंगे इसमें चिली फ्लेक्स थोड़े से डालेंगे पिज्जा सीजनिंग, और थोड़े से डालेंगे पिज्जा ऑर्गेनो। मिलाएंगे इन्हें अच्छे से। और अब इसको थोड़ा सा टैंगी फ्लेवर देने के लिए इसमें हम ऐड करेंगे टोमेटो सॉस, और 1 टुकड़ा मैं डाल रही हूँ यहाँ पे बटर का। तो बटर डालने से इसमें शाइनिंग आती है। मिलाएंगे इन दोनों चीज़ों को अच्छे से। तो ये देखिए पिज़्ज़ा सॉस हमारी बन चुकी है, अब हम इसे निकाल कर रख लेंगे। तो ये पिज़्ज़ा सॉस तैयार है।
चलिए अब नेक्स्ट प्रेपरेशन कर लेते हैं। पिज्जा की टॉपिंग के लिए मैंने यहाँ पर कुछ वेजेस कट करके ले ली हैं। ये मैंने लिए हैं ब्लैक कलर के ऑलिव ऑयल्स, और ये कुछ सब्जियाँ हैं, कैप्सिकम है, टमाटर है और प्याज है। तो तवा पिज़्ज़ा जब हम बनाते हैं ना, तो सब्जियों को हल्का सा रोस्ट करना ज़रूरी होता है, वरना वो कच्ची रह जाती हैं। तो बस 2 मिनट के लिए इन्हें हल्का सा रोस्ट करेंगे, हल्की सी सॉफ्ट हो जाएंगी सब्जियां, बस उतना ही इन्हें रोस्ट करना है। तो 2 मिनट के लिए मैंने सब्जियों को रोस्ट कर लिया है और ये हल्की सी मतलब सॉफ्ट हो गई हैं। बस अब हम इन्हें अलग करके रख लेंगे ताकि हमारी टॉपिंग इजीली हो जाए। और अब हम बनाएंगे पिज़्ज़ा का बेस। तो आटे को रखे हुए 2 से 2.5 घंटे हो गए हैं, मैंने इसे धूप में रखा था, तो आटा अच्छे से बन गया है। चलिए अब बनाते हैं पिज़्ज़ा बेस। तो सबसे पहले हम इसे इस तरह से गोल गोल, मतलब जैसे आटे की लोई रोटी बनाने के लिए हम लेते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमने इसको गोल गोल करना है। तो मैं यहाँ पर बड़े साइज़ का मतलब फैमिली पिज़्ज़ा बना रही, छोटा बड़ा अपने हिसाब से बना लीजिएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैदा मैं चकले के ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ, इस तरह से इसे प्रेस करेंगे। और ऊपर की तरफ भी हम थोड़ा सा मैदा इसके ऊपर डालेंगे और इसे बिल्कुल चपाती की तरह बेल लेंगे। तो बेस आपको पतला रखना है, मोटा रखना है, ये बिल्कुल आपके ऊपर है, आप अपनी पसंद के अनुसार इसका बेस बना सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा ना पिज़्ज़ा हट वाला मतलब बेस बनाना चाहती हूँ। आप इसे डोमिनो स्टाइल में भी बना सकते हैं, थोड़ा सा पतला पिज़्ज़ा रहता है उनका, लेकिन मुझे और मेरी फैमिली को पिज़्ज़ा हट ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं इसका बेस थोड़ा सा मोटा रख रही हूँ। तो ये देखिए पिज़्ज़ा का बेस हमारा बिल्कुल तैयार है। और अब जो है मैंने यहाँ पर तवा रख दिया है, तवे पे हम हल्का सा तेल लगाएंगे और ये पिज़्ज़ा बेस सीधा इसके ऊपर रख देंगे। अब हमने क्या करना है, साइड से इसको थोड़ा सा और मैं फ्लैट कर रही हूँ, आप इस तरह से भी इसे एडजस्ट कर सकते हैं तवे के ऊपर। और फॉक से हम इसमें थोड़े से होल्स करेंगे ताकि ये फूले ना। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है 1 मिनट। जब आपको लगे ना हल्के से बुलबुले से इसके ऊपर आए, तो बस इसको पलट दीजिएगा। और अब हमने गैस को बंद कर लेना है और फटाफट से इसकी टॉपिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस जो हमने ऑलरेडी तैयार करके रखी है। और पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा चीज़। यहाँ पर मैं अमूल चीज़ का यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम रखेंगे इसके ऊपर सब्जियाँ। तो ये ऑलरेडी हल्की हल्की सी रोस्ट मैंने कर ली थी, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर रख दी है शिमला मिर्च। सब्जियाँ आप अपनी पसंद के अनुसार कट कर सकते हैं। टमाटर रख दिए मैंने इसके ऊपर और प्याज भी डाल दिया है। लास्ट में मैं रख रही हूँ ऑलिव्स। तो ये ऑलिव्स बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज आप इन्हें स्किप कर सकते हैं, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। सारी सब्जियाँ लगाने के बाद फटाफट से गैस को ऑन करके इसके ऊपर हम लगाएंगे खूब सारा चीज़। बच्चों को चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ का यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद मैंने इसके ऊपर डाल दिया है थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी काले मिर्च डाली है पीस के, और थोड़े से पिज़्ज़ा ऑर्गेनो और पिज़्ज़ा सीजनिंग। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर ली हैं। और अब हम इसे ढक्कन लगाकर कम से कम 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ही पकने देंगे, जब तक कि हमारा ये चीज़ मेल्ट ना हो। तो 10 मिनट के बाद ये देखिए चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये लीजिए हमारा गर्मा गर्म तवा पिज़्ज़ा बनकर तैयार है। आपने देखा कितनी आसानी से हमने ये पिज़्ज़ा बनाकर तैयार कर लिया है। आप भी ये पिज़्ज़ा अपने घर पर ट्राई कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलूंगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।